और हमारे इस नुस्खे में हम ले रहे हैं कैस्टर ऑयल, मतलब अरंडी का तेल। तो देखिए, कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इस तेल का उपयोग सालों से अभी तक बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। और कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए और आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है, क्योंकि कैस्टर ऑयल आपके बालों को थिकर बनाता है और आपके बालों को मजबूत भी बनाता है। इस ऑयल की तरफ कोई दूसरा ऑयल नहीं है जो आपके बालों को 2 गुना 3 गुना स्पीड से इतनी तेजी से आपके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है, मतलब आपके बालों को बढ़ाता है। चाहे आपके बाल पतले हों, घुंघराले हो और चाहे कैसे भी हो, कैस्टर ऑयल बालों की लगभग हर समस्या को हल करने में मदद करता है। और यह आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर कॉस्मेटिक की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। आप इसे किराने की दुकान से भी परचेस कर सकते हैं। तो एक अच्छी ब्रांड के कैस्टर ऑयल को परचेस करने के बाद आपको एक बाउल लेना है या फिर आपको एक कटोरी लेना है और उसमें आपको 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को ले लिया है। बेबी ऑयल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। बेबी ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, मतलब हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है। और इसके अंदर होता है विटामिन ई जो बालों को शाइनियर और स्मूथर बनाने का काम करता है। और साथ ही साथ बेबी ऑयल हमारे हेयर डैमेज, मतलब जिनके बाल डैमेज रहते हैं, जिनके हेयर्स डैमेज रहते हैं, उनको रिपेयर कर देता है, मतलब हेयर डैमेज को रिपेयर कर देता है। तो यहाँ पर मैं बेबी ऑयल ले रहा हूँ, जॉनसन बेबी ऑयल ले रहा हूँ। तो आपको भी एक बेबी ऑयल लेना है और उसके बाद एक कटोरी में आपको 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच बेबी ऑयल को लेना है। ये मैंने 1 चम्मच बेबी ऑयल को ले लिया है। तो ऑडियंस, हमारे आज के नुस्खे को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों ऑयल्स को ले लिया है। आपको भी दोनों ऑयल्स को ले लेना है, वो भी इक्वल क्वांटिटी में। मैंने दोनों ऑयल्स को 1-1 चम्मच लिया है, तो आपको भी जितना रिक्वायर्ड लगे उतना दोनों ऑयल्स को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। सो अब हम इन दोनों को कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर मैंने दोनों ऑयल्स को कर लिया अच्छी तरीके से मिक्स। आपको एक बात ध्यान रखनी है ऑडियंस, आप जब भी ऑयल्स को मिक्स करो तो आपको दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ही मिक्स करना है, ये नहीं कि आपने एक ज़्यादा ले लिया और एक कम। तो ये हमारा नुस्खा आज का तैयार हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें इस नुस्खे को किस तरीके से अप्लाई करना है। सो ऑडियंस, आपको नुस्खे को पहले अपने बालों में से लगाने से पहले अपने बालों को कर लेना है रेडी, मतलब अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो लेना है। लेकिन आपको कोई शैम्पू या फिर कोई भी कंडीशनर नहीं करना अपने बालों में, नॉर्मल वाटर से आपको धो लेना है और उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, जिससे आपके बालों में से डर्ट, ऑयल, जो कुछ भी लगा होगा वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद ऑडियंस, आपको क्या करना है, आपको इस नुस्खे को अपने बालों में लगाना है। आप चाहे तो इसे दिन में भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे रात में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस नुस्खे को लगाने से पहले आपके बालों को धोना है, फिर ही इसको अप्लाई करना है। तो जब आप इस नुस्खे को अपने बालों में लगा लें तो आपको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से अपने बालों में मसाज करनी है, जिससे ये ऑयल जो रहेगा, जो हमारा नुस्खा रहेगा, वो हमारे बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और जिससे हमारे बाल अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो अपने बालों में मसाज करने के बाद ऑडियंस, आपको इस नुस्खे को 2 घंटे के लिए अपने बालों में लगे रहने देना है, जिससे भी आपके बाल इसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 2 घंटे के बाद आपको अपने बालों को धो लेना है अच्छे तरीके से नॉर्मल वाटर से, या फिर आप गुनगुने पानी से भी अपने बालों को धो सकते हैं। लेकिन आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पानी ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म। आपको अपने बालों को गुनगुने पानी से धो लेना है। और बालों को धोते समय आपको अपने बालों में ना ही किसी शैम्पू का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी साबुन का। आप चाहें तो कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अपने बालों को धोते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑडियंस, आपको 1 हफ्ते में 3 से 4 बार इस नुस्खे को अपने बालों में लगाना है, मतलब इस ऑयल को 3 से 4 बार 1 हफ्ते में अपने बालों में लगाना है, जिससे आपके बाल अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। और आपको 4 से 5 हफ्ते तक इस नुस्खे को लगातार अप्लाई करते रहना है। और ऑडियंस, आप 2 से 3 हफ्तों में ये बात ऑब्जर्व करोगे कि आपके हेयर्स बहुत अच्छी तरीके से लंबे और घने होने लगेंगे, मतलब उनकी हेयर ग्रोथ की जो स्पीड थी वो बढ़ जाएगी। तो ऑडियंस, आज की हमारी जो वीडियो थी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ और हेयर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो अब मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ।